दूं क्या मेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। तो सुना आपने अभी अभी स्मृति ईरानी को, स्मृति ईरानी ने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर गांधी परिवार के किसी कैंडिडेट को ना लड़ाना ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी पहले ही हार मान चुकी है। अभी अभी स्मृति ईरानी को आपने सुना। तो आज अमेठी और रायबरेली दोनों जगहों पर नामांकन का आखिरी दिन है और आज कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। इसी कड़ी में रायबरेली की अगर बात करें तो वहां पर राहुल गांधी चुनावी मैदान में आज उतरेंगे। तो थोड़ी ही देर में रायबरेली से नामांकन करेंगे राहुल गांधी। रायबरेली में कांग्रेस ऑफिस पर हलचल तेज हो गई है। थोड़ी ही देर में नामांकन के लिए राहुल निकलेंगे। तो अब पार्टी ऑफिस पर हलचल तेज दिखाई दे रही है। सुबह से लगातार उनके नॉमिनेशन को लेकर तैयारियां चल रही थी और इस बीच अब बड़ी जानकारी मिल रही है कि थोड़ी ही देर में रायबरेली से नामांकन भरते हुए आप राहुल गांधी को देख पाएंगे नॉमिनेशन फाइल करते हुए। तो अमेठी को अलविदा कह दिया है राहुल गांधी ने और आज रायबरेली से चुनावी रण में उतरने जा रहे हैं। ये वही सीट जो पारंपरिक सीट कही जाती है नेहरू गांधी परिवार की और सोनिया गांधी की विरासत अब संभालते हुए राहुल गांधी को आप देखेंगे इस सीट पर। कांग्रेस कार्यालय पर भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है क्योंकि यहां पर नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले लगातार जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई और रायबरेली में हंगामा भी हुआ है, ये एक और बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और रायबरेली में हंगामा देखने को मिला जहां पर दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, नारेबाजी की गई। ये देखिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने, हंगामा हुआ है यहां पर। कांग्रेस के भी तमाम कार्यकर्ता यहां पर देखे जा सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच यहां पर हंगामा देखने को मिला है और ये कुछ ही देर में नामांकन भरा जाएगा। थोड़ी ही देर पहले प्रियंका गांधी ने जो संबोधन किया था वो भी हमने देखा। तो प्रियंका गांधी ये साफ कर चुकी हैं कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन चुनाव प्रचार की कमान पूरे तरीके से प्रियंका गांधी ने संभाली हुई है। तीन तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एसपी के कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं क्योंकि इंडी गठबंधन के तरफ से यहां पर राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। भारी उत्साह कार्यकर्ताओं में दिख रहा है और ये तीन तस्वीरें आज की महत्वपूर्ण तस्वीरें रायबरेली को लेकर, क्योंकि रायबरेली एक महत्वपूर्ण सीट जहां पर कांग्रेस पार्टी आज अपनी तरफ से फाइनल किए गए कैंडिडेट राहुल गांधी का नॉमिनेशन फाइल करवाने जा रही है। तो तीन तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर और कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के भी पहुंचे हुए हैं नॉमिनेशन फाइल करने के वक्त, अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता। साथ ही साथ तस्वीरें जो आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जब पहुंचे उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो कुछ ही मिनटों का और इंतज़ार, उसके बाद हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जहां पर नॉमिनेशन फाइल करेंगे राहुल गांधी। एसपी के कार्यकर्ता भी काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं क्योंकि इंडी गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी उम्मीदवार हैं। लगातार इन तीन